अरविंद कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हेलो जी बताइए, सवाल करिए। मैम, मेरे जो वाइफ है ना, हाँ इनको जो पहला बच्चा हुआ था तो इनका वो ठंडा पानी पीने से तो पेट थोड़ा सा बाहर आ गया, जी, और अभी पेट वैसे ही है, कम नहीं होता, तो इसके लिए क्या करें? ठीक है। अब बेशतर महिलाओं को बच्चा होने के बाद पेट बढ़ जाता है, और उनका ज़रूर बढ़ता है जिनको ऑपरेशन से बच्चा हो। तो उससे बचने के लिए एक अच्छा सा नुस्खा है, इस्तेमाल करें जीरे का सिरका। जीरा जो आता है उसका सिरका, जीरे का पानी नहीं, जीरे का सिरका, विनेगर, जीरे का विनेगर, दो दो चम्मच दो तीन बार पिलाएं। उनकी चर्बी, उनका पेट, उनका वेट के लिए काफी फायदेमंद हो सकता। जी। अगले कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से, राम, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है राम जी आपका। मैं टीके राम बोल रहा हूँ सर, 4 बार हो गए मेरे काल जाते हुए। तो मेरा क्या है, 4 साल हो गए बिस्तर के हूँ मैं, और बाजी तो आपके पास से बॉम किया, लोन मोरिंडा ये खा चुका हूँ, एस्टर खा चुका हूँ, अभी जैतून का नमक और बॉम किया खा रहे हैं। तो बाजी सब बहुत अच्छी हो गए, बाजी मेरे पेशाब में जलन होता है, बहुत जलन रहता है, मेरे पेशाब में सूजन हो जाते हैं और जलन रहता है, यही सब मुसीबत है सर। इसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए, और जैसे कि धनिया मेथी ये सब ले रहा हूँ, उसमें आंवला मिला सकते हैं? और पेशाब से नहीं जाता, पेशाब में जलन रहता है सर, इसके बारे में बतलाइए। ठीक है, ठीक। देखिए, पेशाब में अगर जलन होती है, किसी सूरत फायदा नहीं होता। तो एक आती है लाजवंती, लाजवंती आधा चम्मच या 1 चम्मच दूध में मिलाएं और जल्दी जल्दी हिलाएं उसको चम्मच से, नहीं तो ये गांठें पड़ जाती हैं इसकी। और दूध में मिला लें, गांठ ना पड़ने दें, और ये पूरे दूध को ही पी लेती है, और इतनी सी डालेंगे तो इतनी हो जाती है। और एक चुटकी इसमें नमक जैतून मिला दें, और ये रोज़ आप एक खुराक ले लिया करें, बस काफ़ी है आपकी पेशाब की जलन के लिए। दूसरी बातों में तो आपको फ़ायदा है ही, ये नुस्खा आप शुरू कर सकते हैं। जी अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। जी सत्यवती जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार मैम। हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद सत्यवती जी, आपका स्वागत है। मेरे 2-3 सवाल हैं जी। एक तो मेरा 6 साल का लड़की का लड़का है, वो अकड़ाता है, हकलाता है जी। अटक लागती है, बोलता है, वैसे साफ बोलता है पर अटक लागती है। और दूसरा सवाल है जी, मैंने आपसे गोंद मोरिंगा और गोंद श्या मंगा थार में खा रही हूँ, 1-2 महीने हो जाएंगे कि पहली टाइम को फिर, लेकिन मेरा दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं बहुत दर्द सहन कर रही हूँ, पर आपकी बातों पर विश्वास है कि खाते रहो, आराम लगेगा, खाते रहो। फिर आपकी टीम से एक भाई ने फोन किया था, जहाँ से दवाई मंगाई थी ये कैप्सूल जरूर मंगवा लो जी आप, जब आराम लगेगा। मैं कहा तीन साहब से बात करवा दूंगा, उससे पूछ कर मंगवाऊंगी दर्द बात। कहाँ पर ज्यादा हुआ है आपको? उल्लिया मो से जीतागढ़ी के नीचे नीचे, और सारे पैर सुन हो गया है, हाथ भी मैं माला करती हूँ ना, परमात्मा की माला करती हूँ, उसमें जो वजन होता है जब भी सुन हो गया है। और तीसरा सवाल है मेरा कि मैं आपको भगवान भी मानती हूँ,
तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरी संख्या का समाधान कीजिए, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मार, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। आप भगवान के समान मानते हमें आपको, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं टीवी के आगे नहीं बैठी हूँ, मैं दूर बैठी हूँ दूसरे कमरे में। ठीक है, अब आप टीवी के आगे बैठ जाइए, आवाज बढ़ा लीजिए, और आप एक देवी के समान हैं और भगवान की बहुत पसंदीदा महिला हैं, और जिसको भगवान ज़्यादा पसंद करता है उसे आजमाता भी ज़्यादा है। आपका दर्द बढ़ गया है, दवा से ही बढ़ा है, और दर्द की दवा के साथ आप लें इगोनसिया ही लें, और उससे भी तेज़ जो वो लोग कह रहे हैं कैप्सूल वो भी ले सकते हैं। बस दो तीन बातों का ख्याल रखें, वेस्टर्न टॉयलेट अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय तो ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत मेहनती है तो मेहनत कम कर दें, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, और एक महीना और कम से कम इलाज करें। दर्द किसी किसी को, 100 में एक दो लोगों को दर्द बढ़ के कम होता है, और जिन लोगों को दर्द बढ़ जाता है वो बहुत शिकायत करते हैं। आप तो शिकायत भी नहीं कर रहे, आप बहुत ही संयम वाली महिला हैं। बस 4-5 दिन दर्द की दवा के साथ आप ये दवा लें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, 6 साल का एक बच्चा है जो हकलाता है। हाँ, उस बच्चे को काली मिर्च पीस कर रख लीजिए, वो बारीक पाउडर, और आधी चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हनी यानी शहद में मिलाकर रोज़ाना एक बार ज़रूर खिला दिया करें, बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। जी, मुरादाबाद से हैं परवीन कपूर जी, स्वागत है आपका। जी, सवाल कर लीजिए सर। मेरे को इस नींद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की शिकायत है। उम्र कितनी है? 51 है। और मेरी वाइफ की जो है वो 46 है, उसको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और नींद नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है। हाँ, देखिए, एक हर एक आदमी को डिप्रेशन है आजकल। कभी सोचता हूँ, मुझे भी अक्सर डिप्रेशन हो जाता है, और जैसे दुनिया के हालात होते हैं, जैसे घर के हालात होते हैं, डिप्रेशन का आना तय है। जो भी आदमी जिम्मेदार है वो सोचता ज़्यादा है, और उस सोच से निकल कर आना चाहिए। कभी कभी हम डीप सोच कर वहीं रह जाते हैं, और भगवान पे भरोसा करें। कोई भी परेशानी आए तो उसमें कोशिश करें, जितनी भी आप कर सकते हैं बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। अगर उसमें कामयाबी नहीं मिली तो उसमें भी इत्मीनान रखें कि भगवान की तरफ से आपके लिए यही बेहतर है। और 1 चम्मच धनिया का पाउडर रोज़ाना 2 बार खाएं। धनिया तो आप जानते हैं, धनिया का पाउडर 1 चम्मच खाकर और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर ये पानी पी लिया करें, दिन में 1 बार या दो बार, सुबह और रात को सोते वक्त, आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जो बात इन्होंने कही कि डिप्रेशन, फिर नींद नहीं आती, ऊपर से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो ये तीनों चीज़ें ही अगर किसी भी व्यक्ति को हो गई हैं तो वो तो वैसे ही बीमार ही है। देखिए, डीप तो सब समझदार लोग जाते हैं। डीप कोई भी पागल आदमी नहीं जाता, समझदार आदमी जाता है। जी, और इतनी परेशानियां हैं दुनिया में, समाज में, घर में, हर घर में कोई ना कोई परेशानी, फसाद, आपस में लड़ाई झगड़े, और कोई इतनी किस्म की परेशानियां हैं कि आदमी गिन भी नहीं सकता। हमें अपने हालात में जीना चाहिए, जैसे हालात हों वैसा हो जाए, और भगवान का शुक्र वाला ज़रूर हो। ज़्यादातर लोग वो डिप्रेशन में जाते हैं जो भगवान का शुक्र नहीं करते। देखिए, जिस हाल में भी भगवान रखे, अगर वो हमें 2 वक्त की रोटी, हलाल रोज़ी, रिश्वत वाली नहीं, मेहनत वाली,
और हक वाली हलाल वाली दे रहा है तो उसका बहुत बड़ा कर्म है। बस ये रोटी ही सच्चाई है ज़िंदगी की, बाकी पढ़ेगा नहीं आदमी तो चल जाएगा, और घर नहीं होगा तो फुटपाथ पे सो जाएगा, और हर चीज़ को आप कवर कर सकते हैं। अगर रोटी नहीं है तो जी नहीं सकते, अगर भगवान रोटी दे रहा है दो वक्त की इज्जत से, समझ लीजिए उसकी बहुत बड़ी इनायत है। अब आपको जो कुछ चाहिए तो जो कुछ भगवान ने दिया है उसका शुक्र करें। अगर आपने यहाँ से दिल से भगवान का शुक्र किया, भगवान को राज़ी कर लिया, तो जो चाहोगे भगवान आपको दे सकता है। लेकिन आप किसी का दिल नहीं दुखाएं, माँ बाप की सेवा करें, जिसका जो हक है उसको वो हक दें, किसी का हक ना मारें, गरीबों से मोहब्बत करें, और इन बातों से भगवान राज़ी होता है। और जिसने भगवान को राज़ी कर लिया वो भगवान से हर चीज़ ले सकता है जो उसके लिए मुश्किल हो और नामुमकिन हो, ये मेरा अपना तजर्बा है। बिल्कुल। तो प्रवीण जी देखिए, परेशानी आपके साथ, आपकी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा है, यकीनन हम ये समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़ को, लेकिन देखिए खूबसूरत सा मैसेज आप तक पहुंचाया है हकीम साहब ने, और आपको नुस्खा भी बता दिया गया है। तो उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे आप दोनों बहुत जल्दी बहुत बेहतर हो जाएं। अगले कॉलर हैं सहारनपुर से, नरेश जी स्वागत है आपका। जी सर। मेरा लैट्रिन में खून आवा जी। ठीक है नरेश जी, देखिए नस्खा लिख लीजिए और बनाइए और इस्तेमाल करिए। एक तो आप ऐसी चीज़ें खाया करें जो आसानी से हजम हो जाए, हल्की ग़िज़ाएँ खाएं। और एक नुस्खा है वो बना लें, देख कत्था जो पनवाड़ी पान पे कत्था लगाता है ना, कत्था ही सा होता है वो, कत्था लें 100 ग्राम, सूखा हुआ मिलता है, कत्था सफ़ेद कहते हैं, कत्था सफ़ेद 100 ग्राम ले लें, और कत्था सफ़ेद 100 ग्राम और लाजवंती 100 ग्राम, इसब गोल की भूसी 100 ग्राम और गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये नकली बहुत मिलता है असली लेना, सफ़ेद गौन मोरिंगा और धनिया 100 ग्राम, इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं और 2 ग्राम सुबह खाएं, 2 ग्राम शाम को, एक एक कप दूध से खाने से पहले खाएं तो बहुत बेहतर है, या इनकी गोलियां बना लें इस पाउडर की, और काबली चने के बराबर गोलियां बना लें और 2 गोली सुबह नाश्ते से पहले दूध के साथ, 2 गोली शाम को लें। तो जितना नुस्खा मैंने बताया है, इतना नुस्खा आपने बनाया, तो इसके ख़त्म होने से पहले आपका अच्छा होना मुमकिन है। इमराना हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। जी बताइए। सारी आवाज़ जी आ रही है आपकी आवाज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो है ना, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम इमराना, बताइए। मुझे है ना जस्ट जैसे दस का थोड़ा बहुत झाड़ वगैरह का काम करते हैं ना, एलर्जी होती है, छींक आने लग जाती है, फिर जुकाम हो जाता है। कितनी उम्र है इमराना आपकी? 25। अच्छा बच्चा, देखिए ये मरज जिसको होता है उसमें कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी की कमी होती है, और अगर इसका इलाज 5-6 महीने किया जाए तो फ़ायदा मुमकिन है, बशर्ते कि आप खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें भी छोड़ दें इलाज के दौरान। तो उसका इलाज मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिए, अगर आपके पास कलम है और कॉपी है तो आपके बड़ा काम आएगी। देखिए सपिस्तान एक दवा है जिसको आसान जबान में लिसोड़ा कहते हैं, यानी लिसोड़ा 100 ग्राम
और उन्नाप 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, सपिस्तान उन्नाप अलसी 100-100 ग्राम खरीदें। उन्नाप की गुठली निकाल कर फेंकनी पड़ेगी और इसमें 30 ग्राम पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में पीपलें, इसमें 30 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। अब ये एक चम्मच सुबह खाली पेट, निहार मुझे से कहते हैं, गरम पानी या गरम गरम चाय के साथ आप सुबह निहार मुख खाएँ और रात को सोते वक्त एक एक चम्मच इसका छोटा चाय का चम्मच भर के खाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। लेकिन 6-7 महीने लगातार लेनी होगी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें, बिल्कुल ना खाएं तो फ़ायदा मुमकिन है जी।